उधर लॉरेंस गैंग पर राजस्थान की सियासत गर्मा गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में खुलेआम फायरिंग और फिरौती के मामले बढ़ गए, जिसमें लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा का नाम सामने आया। वो राजस्थान में लॉरेंस गैंग का काम देखता है और रोहित गोदारा पर ही जयपुर के क्लब में फायरिंग करवाने का आरोप लगा था। यही नहीं, क्लब में खुलेआम गोलियां चलने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक कारोबारी से फोन पर 2 करोड़ की फिरौती मांग ली गई। राजस्थान में ये सारी घटनाएं चुनावी साल में हुई और गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बन गई। या यूं कहें कि गहलोत के सामने लॉरेंस गैंग एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान बहुत ही बुरी स्थिति में है। हालांकि गहलोत के मंत्रियों ने सब ठीक होने का दावा किया। इस बार पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और गिरफ्तार किया है मुलजिमों को। पिछले 72 घंटों में लॉरेंस गैंग ने राजस्थान, खासकर उसकी राजधानी जयपुर में उथल पुथल मचा दी। राजधानी में हुई इन घटनाओं ने गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। नतीजा ये हुआ कि सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी के हाथ एक और मुद्दा लग गया। इस बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया को मिलिट्री ड्रिल से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बौखला गए। एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर आसमान में सैन्य अभ्यास किया था और उसके जरिए उत्तर कोरिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। इस मिलिट्री ड्रिल का जो वीडियो दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, उसमें अमेरिका के खतरनाक B-1B बॉम्बर, F-22 लड़ाकू विमान और F-35 फाइटर जेट एक साथ आसमान में उड़ान भरते दिखे। इस ड्रिल के बाद दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि वो किम की परमाणु और मिसाइल अटैक की धमकी से डरने वाला नहीं है और उसे जवाब देने के लिए तैयार है। जिसके अगले ही दिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर किम की बौखलाहट देखने को मिल गई। उत्तर कोरिया के शासक ने 24 घंटे भी नहीं लगाए और चेतावनी दी कि इस तरह के सैन्य अभ्यास करके अमेरिका हालात को खतरे की तरफ लेकर जा रहा है और ये धमकी दे डाली कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इस मिलिट्री ड्रिल का उत्तर कोरिया बदला लेकर रहेगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका के ऐसे कदम युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि उत्तर कोरिया अमेरिका से मुकाबला करने को तैयार है और वो अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देगा। इधर बिहार के IAS अधिकारी KK पाठक का डिप्टी कलेक्टर के लिए गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ बासा यानी बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने मोर्चा खोल दिया और IAS अधिकारी KK पाठक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए पटना के सचिवालय थाने में आवेदन दे दिया। KK पाठक पर बैठक के बीच में डिप्टी कलेक्टर के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप है। डिप्टी कलेक्टर इसी वीडियो के वायरल होने पर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भड़क गया और सरकार से KK पाठक को बर्खास्त करने की मांग के साथ थाने भी पहुंच गया। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान सख्ती की वजह से एक अधिकारी की मौत का आरोप भी उन पर लग चुका है। और एक बार फिर IAS अफसर KK पाठक पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहने का इल्जाम लगा। हालांकि उनका ये वायरल वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गईं। जो हमने कहा है कि सुसंगत धाराओं के तहत इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए। यही नहीं, सुबह बिहार प्रशासनिक सेवा संघ से जुड़े सभी अधिकारी काला बिल्ला लगाकर विरोध भी करेंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।